Hello viewers, I am Rashmi. Welcome to my channel. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके तो सबसे पहले ये ट्राइंगल यहाँ बना दिया, तो इसमें आपको एंगल बी कितना गिवन है, 90. राइट एंगल एट बी मतलब कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री. और ए बी आपको 24 गिवन है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है. ओके तो सबसे पहले जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना होता है. ट्राइंगल कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हमें तीनों साइड की लेंथ पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे बेस की लेंथ हमें गिवन है 24, परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है 7, तो हमें हाइपोटेनियस की लेंथ नहीं पता है. तो पहले हम क्या करते हैं, ए सी की लेंथ पता करते हैं. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से. ये तो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके जो क्या होती है कि होता थ्योरम इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो किसी भी ट्राइंगल में बेस कौन सा होता है, बेस जो जिसके ऊपर ट्राइंगल बनता है. तो यहाँ पे ए बी क्या है, ये है बेस, और जो 90 डिग्री एंगल जिसपे बनेगा वो है परपेंडिकुलर. ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस. ओके तो ये ट्राइंगल हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ अब हम फाइंड करते हैं ए सी. तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, ए सी. तो ए सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना है, 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49. दोनों को ऐड किया तो आ गया 625. तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 25. लेकिन हमें वैल्यू चाहिए ए सी की, तो स्क्वायर इधर से जब ट्रांसफर होके राइट साइड में आएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है. तो 625, दिस इंप्लाइज ए सी कितना हो गया, 25. रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पे ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लंबाई को. ए सी एक लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव. अब यहाँ पे देखो एंगल, अब ये ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा हो गया 25. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए और कॉस ए की. तो जब भी किसी एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हमेशा बेस पे बना हुआ होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो ए और साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए, और एंगल ए भी हमारा कहाँ है, बेस पर है. तो ये हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि बेस पे ही फिगर गिवन. तो फर्स्ट साइन ए. अब साइन ए क्या होता है, साइन ए इन तीनों साइड में से किसका रेशियो होता है. तो इसको याद रखने का सबसे ईजी तरीका है पी बी पी एच एच बी. तो ये पी अपॉन एच जो है वो रेशियो होता है साइन थीटा का, और बी अपॉन एच कॉस थीटा का. पी अपॉन बी साइन कॉस टेन, और साइन का रिवर्स हो गया कॉसेक, और एच अपॉन बी कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, और ये कॉट थीटा. हमें तो सिर्फ तीन याद रखने, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि साइन वन बाय कॉसेक होता है, कॉस वन बाय सेक होता है, टेन वन बाय कॉट होता है. तो यहां से साइन क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, बी सी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी. ओके तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 7, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 25. तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई. अब सेकेंड पार्ट इसमें हमें सॉल्व करना है कॉस ए. अब यहाँ से देखो कॉस कितना होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कितना है हमारा, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी. अब वैल्यू पुट कर लेंगे, ए बी इज 24 अपॉन 25. ओके नाउ सेकेंड पार्ट,
फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन सी की. ओके तो अब यहाँ पे हम फिर से फिगर पे जाते हैं. अब यहाँ पे देखो, हमें साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है बट ट्राइंगल में एंगल सी बेस पर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को हम चेंज कर देते हैं. हम क्या करते हैं, बी सी को बेस बना लेंगे और ए बी को क्या ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर. क्यों, जिस भी एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हमेशा बेस पे होना चाहिए. ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, जिस भी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस पे होना चाहिए. तो ये मैं दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ. तो ये यहाँ पर ये हो गया, ये एंगल बी आपका सेम रहेगा जो कि 90 डिग्री है. बस हमने क्या किया, सी को यहाँ रख दिया और ए को यहाँ पे. अब फिगर के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू फिर से हमने पुट कर ली. ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में ये चेंज कर दिया. एंगल सी अब हमारा कहाँ आ गया, बेस पे आ गया. अब हमें साइन सी फाइंड करना है. साइन सी अगेन क्या हो गया, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस. अभी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए बी अपॉन ए सी. तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 24/25. ये देखो चेंज, यहाँ पे 7/25 था, यहाँ पे 24/25 है. और यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए कॉस सी की. तो कॉस होता है बी अपॉन एच. तो बी अपॉन एच हो गया, बेस कितना है यहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी. तो बी सी यहाँ पे कितना है, बी सी इज 7/ ए सी इज 25. ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन की एक ही बात है, जिस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो एंगल बेस पे होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. अगर आप इस बात को समझ लोगे तो कभी भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा, सारे एंगल आप इजीली फाइंड कर लोगे. ओके, नाउ माय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.